मैं आपके साथ सारा खान, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइफस्टाइल। दिल्ली लाइफस्टाइल में आज की खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि हेल्थ के लिए वेज कितना बेनिफिशियल है। आइए चलते हैं अजीत की इस खास रिपोर्ट पे। टुमारो मेक दिस मूवमेंट ग्रो लार्जर बिगर एंड बिगर। प्रकृति ने हमेशा सात्विक होने के संकेत दिए हैं, इसी वजह से सनातन दर्शन में संपूर्ण स्वास्थ्य और निरंतर विकास के लिए सात्विकता को ही प्रोत्साहित किया है। सात्विक का मतलब है सत्व गुण प्रधान, अर्थात पवित्र और निर्मल। मेहरबा हुआ रब तो ये जाना कितना हसीन होता है पेट भर खाना। जी हाँ, मैं इन्हीं दो लाइनों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ शुद्ध और शाकाहारी के लिए जानी जाती है सात्विक इंडिया। लोधी रोड से सटे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि रहे जाने माने नेता और दिग्गज छवि के लिए पहचाने जाने वाले केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और जाने माने स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी एवं वागीश पाठक जी ने आकर इस समारोह में चार चांद लगा दिए। आपको बता दें, सात्विक इंडिया की एक ही थीम है कि भारत के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्वच्छ भोजन पहुंचे और लोग 100% अच्छा खाना खाएं। सात्विक इंडिया के फाउंडर और ऑनर श्री अभिषेक जी ने बताया कि ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि ये एक परिवार है और आगे ऐसी ही काम कराती रहेगी स्वच्छ भोजन के लिए। हमारे साथ अभिषेक जी है जो कि सात्विक इंडिया के ऑनर एंड फाउंडर है। सर, क्या कुछ कहोगे पहले सात्विक के बारे में? सात्विक एक जीवन शैली है, मैं हमेशा बोलता हूँ और ये भी कहता हूँ कि सात्विक का महत्व जो है वो फूड इंडस्ट्री से और आज की तारीख में जो हमारी एडल्ट्रेशन चल रही है उसको किस तरह से रखना है, सब कुछ करना है, उसके लिए एक मानक का होना बहुत ज़रूरी है और हम सात्विक को उसी मानक के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। कोशिश यही है, लगभग 5 साल हो चुके हैं इस हमारे इस संघर्ष को और आज तो आपने देखा ही होगा कार्यक्रम में काफ़ी वरिष्ठ लोग भी आए हुए थे और वो अब इस बात को समझने लगे हैं कि सात्विक की ज़रूरत है अब इस यहाँ पे मानक में। मैं चाहता हूँ सात्विक में युवा इससे जुड़े, हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है उससे वो लोग जुड़े। आज हम और भी उनको अवसर प्रदान करेंगे इसके माध्यम से कि वो नौकरियाँ उनको मिलेंगी, क्योंकि सर्टिफिकेशन बिजनेस अभी तक इतना ज़्यादा पनपा नहीं है हिंदुस्तान में। तो हम ये लेकर के आ रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सर्टिफिकेशन बिजनेस को लोग समझें और सर्टिफिकेशन से लोग लाभ उठाएं और वो जो उस प्रतिक्रिया के अंदर हम कम से कम हमारा जो टारगेट है वो कम से कम 50,000 से 60,000 जॉब क्रिएशन करने का है अगले 2-3 सालों में। केंद्रीय मंत्री जी ने बताया कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में केवल 15% लोग वेजिटेरियन है। हमने अभी एक साथी से पूछा था दुनिया की आबादी, उन्होंने कहा कि 700 करोड़ से ऊपर और हमने उनसे पूछा ये पता करके बताओ कि इसमें वेजिटेरियन कितने हो सकते हैं, उन्होंने कहा मुश्किल से 15 से 20% के बीच में। वास्तव में मैं आज वो धन्यवाद देना चाहूँगा देश में भी और दुनिया में भी शाकाहारी को किस ढंग से प्रमोट किया जाए, बढ़ाया जाए, ये अच्छा कदम है। सर, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, जिस तरह से आप वेजिटेरियन के ऊपर आपने आर्जी के अंदर किस तरह से आप इस मूवमेंट को आगे ले जाए? नहीं, इसमें जो जहाँ जिसके लिए संभव हो वो उसमें सहयोग करें। मुहिम को ऐसा किसी जाने माने स्वामी जी ने बताया कि भारत में एक नई क्रांति की ओर है सात्विक इंडिया। हमारे खान पान, हमारी दिनचर्या, हमारे जीवन के मूलभूत आदर्शों में सुधार के दिशा में हमारा जैसा भोजन होगा वैसा आचरण होगा। इस देश के बहुत सारी समस्याओं के समाधान का मार्ग भी सात्विक है। खान पान के साथ हमारी जीवन शैली में भी बहुत बड़ी क्रांति लेकर आएगी और इसकी जो लाभ होंगे वो
आप लोगों की सोच से परे बहुत जरूरी है फ्यूचर जनरेशंस के लिए और हमारा संसार को चले हुए लगभग 1,96,08,53,120 वर्ष चल रहा है, तो उसमें से कुछ थोड़े से वर्ष निकाल दें लगभग सैकड़ों में जिनको कहेंगे। देखिए एक अच्छा प्रयास है, कृषि का क्षेत्र जो हमारा पिछड़ता जा रहा है उसको इस तरह के इवेंट से हाईलाइट्स करें। स्टार्ट करता हूं के बारे में सत्विक की जो ये न्यूज रही है वो कितनी है अभी पहले इतना हमें पता नहीं होता, ये तो पता सरकारी खाना ही होता। के बाद में मैं कहना चाहूँगा कि इनकी देशी भाषा में पिताजी का बहुत बड़ी आशीर्वाद है, ठीक है नी चुकर गामा में इतना कह कहते नहीं बुढ़िया अपनी माँ दादी को कह के देख सोच वह सोच खत्म होगी। तो गाइस आप सभी जान गए होंगे कि हेल्थ के लिए वेज कितना बेनिफिशियल है और आज के इस इवेंट में आप बखूबी जान गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे हम दिल्ली लाइफस्टाइल में आपके लिए फिर से कुछ खास, तब तक के लिए देखते रहिए।